गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दरवाजे बंद रहा है। हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है जो टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है, उसमें नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। देखिए, जो हमारा इसमें बताया गया है तो इसमें हमें नीड एंड इम्पोर्टेंस करना है सेकेंडरी एजुकेशन पर, ठीक है। तो इसमें बायोलॉजिकल साइंस इन सेकेंडरी स्कूल लेवल नीड एंड इम्पोर्टेंस, तो इसमें क्या बताएंगे हम कि जो हमारा सेकेंडरी लेवल है इसमें डाल देते हैं वो बायोलॉजिकल साइंस इन सेकेंडरी स्कूल लेवल, बारे में बताना है। तो अगर हम माध्यमिक शिक्षा में देखते हैं तो जीव विज्ञान अत्यंत ही विस्तृत एवं व्यापक है, क्योंकि जो विद्यालय का पाठ्यक्रम है वो प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर माध्यमिक कक्षाओं तक निर्मित किया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें बालकों को उन समस्त विषयों का सामान्य ज्ञान प्रदान करना आवश्यक माना जाता है जो उसके भावी जीवन, रोजगार, वृद्धावस्था को सफल बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। ये हमें इंट्रोडक्शन में देना है, ठीक है। यही कारण है कि जो हमारा माध्यमिक शिक्षा को सामान्य या जनरल टर्मिनल एजुकेशन भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस शिक्षा के दौरान बालकों को जो बाल्यावस्था है और किशोरावस्था और युवावस्था की आयु के दौरान इनमें से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो यह अवस्था बालकों की शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस आयु में बालकों को प्रदान की गई शिक्षा उनके भावी जीवन पर आधारशिला का निर्माण रखती है। जैसे बेस बनता है, हम किसी चीज का अगर बेस बनाते हैं तो नीम होते हैं, तो वो क्या होता है, नीम जितनी मजबूत होगी ऊपर से जो उसके ऊपर जो बिल्डिंग्स बनाई जाएगी वो क्या होगा, उतनी ही मजबूत होगी, ठीक है। तो इस प्रकार जब हम बच्चों का बेस बनाते हैं, बेस जितना बच्चों का मजबूत होगा तो उनको आगे चलकर उतनी ही उनके जीवन की आधारशिला का निर्माण होगा, ठीक है। तो उनके व्यक्तिगत चरित्र, जीविका, रुचियों, योग्यताओं, प्रतिभाओं तथा जीविका आदि की दिशा का निर्धारण करना और कुल मिलाकर उनके संपूर्ण जीवन की निधि के रूप में सदैव उनका मार्गदर्शन करती है, ठीक है। तो हम पर अब हम करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। देखिए, जो नीड एंड इम्पोर्टेंस है इसकी कौन कौन सी है। माध्यमिक शिक्षा कमीशन की रिपोर्ट ने क्या कहा है कि विज्ञान शिक्षा की आवश्यकता और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम दोनों के महत्व पर दृष्टि डाली है। तो पाठ्यक्रम में विज्ञान की अनिवार्यता स्वतः सिद्ध हो जाती है। इसमें क्या है कि जो विज्ञान शिक्षा से संबंधित इसके बारे में क्या प्रस्तुत किया गया है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले, इट ड्वेल्स द वे टू एक्वायर नॉलेज, विज्ञान ज्ञान की प्राप्ति को बताता है। सेकंड है, यह जीवन के वास्तविक सत्य के दर्शन कराता है, इट शोज द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। थर्ड है, यह सौंदर्य अनुभूति जागृत करता है, इट ड्वेल्स एस्थेटिक सेंस। नेक्स्ट है आपका, यह व्यक्ति की बौद्धिक विकास करता है, चिकित्सा जगत के लिए भी बहुत आवश्यक है, यह मनोवैज्ञानिक आधार पर बालकों का विकास भी करता है, ठीक है। तो यह जीवन से अंधकार रूपी अंधविश्वासों को दूर भी करता है जो हमारा साइंस है, ठीक है। यह जीवन को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है, यह आत्मविश्वास जागृत कर चुनौतीपूर्ण जीवन के लिए हमें तैयार करता है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। सबसे पहले है हमारा ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। देखिए, विज्ञान स्वयं में क्या है, ज्ञान का भंडार है, यह अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी एक सच्चा मार्ग है। तो विज्ञान की इसी गुण के कारण इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र आदि विषयों को वैज्ञानिक विषय के रूप में ही रखा गया है, ठीक है, उसके वर्ग में ही, विज्ञानों के वर्ग में ही रखा गया है। तो इस प्रकार विज्ञान शिक्षण बालकों में तर्कसंगत चिंतन, जीवन में विभिन्न पक्षों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है, वास्तविक सत्य तथा दर्शन। देखिए,
वास्तविक सत्य तथा दर्शन हमें विज्ञान से क्या जानकारी प्राप्त होती है, वास्तविकता की। ठीक है, विज्ञान कल्पना कहानी या असत्य भाषण में विश्वास नहीं रखता, वो इस पर विश्वास रखता है सत्य पर। ठीक है, चाहे किसी भी विषय का सैद्धांतिक ज्ञान हो अथवा जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या हो, यह सभी वस्तुओं की सत्यता मतलब कि प्रयोगों एक्सपेरिमेंट्स की कसौटी पर ही परखने के बाद ही उसे स्वीकार करता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह प्रामाणिक रूप से किसी भी क्षेत्र के वास्तविक सत्य के दर्शन कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्वेल्प अथेस्टिक सेंस, सौंदर्य भूति की जागृति। देखिए, विज्ञान शिक्षण व्यक्ति का साक्षात्कार वास्तविक सत्य से कराता है। यह सत्य उसमें उपस्थित वस्तु के सच्चे सौंदर्य की अनुभूति कराता है। जैसे सौंदर्यात्मक के तीन तत्व होते हैं, सत्य शिव और सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, द ट्रूथ द गुडनेस एंड द ब्यूटी। तो यह ऊपरी रूप से जो देखा जाए तो ये अलग अलग पटनी होती है, किंतु वास्तव में जो सरम सत्य है वही सुंदर है। कहा भी गया है जो सत्य है वही शिव है और शिव ही सुंदर है। ठीक है, तो प्रसिद्ध कवि हमारे किड्स हैं, उनके अनुसार क्या बताया गया, ट्रूथ इज ब्यूटी, अर्थात सत्य ही सुंदर है। संभवतः यह प्रकृति के सौंदर्य का ही आकर्षण रहा है, जिसमें बनकर संसार के बड़े बड़े महान वैज्ञानिकों ने संसार के रहस्य को जानने के लिए बड़े से बड़ी खोजों और आविष्कार किए हैं। नेक्स्ट है आपका बौद्धिक विकास। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, विज्ञान शिक्षण बालकों के बौद्धिक विकास का भी सर्वोत्तम साधन है। बौद्धिक विकास का तात्पर्य क्या है, बालकों को बुद्धि के रूप में जो जन्मजात शक्ति प्राप्त हुई है उसका संपूर्ण विकास करना। तो बुद्धि एक हीरे के समान होती है, जिस प्रकार हीरे को तराशने पर उसमें चमक उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से बुद्धि का अधिकाधिक प्रयोग करके उसकी शक्तियों का भी हम उसके बारे में ज्ञान होता है। तो एक विज्ञान का छात्र जब अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति जागरूकता होकर उससे संबंधित कब क्यों कहां कैसे आदि प्रश्नों के तर्क संगत लॉजिकल उत्तर खोजने का प्रयास करता है, तो उसके मस्तिष्क के विभिन्न अंगों की सक्रियता क्या होती है, बढ़ जाती है। और यही प्रक्रिया क्या है, क्रमिक रूप से उसकी बुद्धि का विकास करती जाती है। ठीक है, हाँ जी, हमारे यहाँ कुछ कोटि के जो खोजी प्रवृत्ति के वैज्ञानिकों का क्या रहा है, उन्होंने अलग अलग उसके बारे में बताए हैं। स्वतंत्र भारत के 60 वर्षों में एक भी ऐसा कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं हुआ है अभी तक जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी वैज्ञानिक आविष्कार या ख्याति प्राप्त की। ठीक है, तो इसके बारे में ये पहले की बात बताई गई है। नेक्स्ट है चिकित्सा जगत के लिए आवश्यक। देखिए, विज्ञान जैसे हर फील्ड में जरूरी है, ऐसे ही चिकित्सा के लिए बहुत जरूरी है। विज्ञान का शिक्षण चिकित्सा जगत के लिए भी आवश्यक ही जरूरी है, अनिवार्य ही है। विज्ञान के बिना चिकित्सा संभव नहीं है। जो छात्र अपने जीवन में चिकित्सक बनना चाहते हैं और इससे संबंधित शोध आदि करना चाहते हैं तो उनके लिए विज्ञान ही अनिवार्य है। और बल्कि छोटे 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 मोटे इलाज ये अन्य छात्रों को भी विज्ञान जो है शिक्षण जीवन संग्राम में स्वास्थ्य फर्स्ट एड तथा छोटे मोटे इलाज के लिए भी अत्यधिक आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उपचार से सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। प्रिवेंशन इज बेटर द क्योर के सिद्धांत के अनुसार भी बीमारियों और रोगों की रोकथाम कराने में विज्ञान का बहुत ही आवश्यक लाभदायक होता है। नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिक विकास। विज्ञान हमारा क्या है, मनोवैज्ञानिक विकास जैसे अप्लाइड साइंस वैज्ञानिक विज्ञान का प्रमुख आधार है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार छात्रों को बालकों की रुचियों योग्यताओं क्षमताओं अभियोग्यताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है। यही सिद्धांत आधुनिक बाल केंद्रित प्रणाली चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मूल आधार भी है। ठीक है, तो स्किनर पावलोव कोल्हर जो हमने पढ़ी थी, हम फर्स्ट पेपर में हमारे पास है ये सारी, तो हमने उसमें पढ़ी थी इनकी थ्योरीज, और थार्नडाइक आदि मनोवैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से ही सीखने के नियमों का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। ठीक है, रोजर व मैस्लो ने भी मानव विकास की वैज्ञानिक आधार जो वैज्ञानिक आधार है उस व्यक्तित्व के विकास का प्रतिपादन किया है उसी के आधार पर। अतः अधिगम और व्यक्तित्व आदि की मनोवैज्ञानिक
जो संकल्पनाओं हैं का उसका आधार भी हमारा क्या है, विज्ञान ही है। ठीक है, नेक्स्ट है अंधविश्वासों को दूर करना। कई बार क्या होता है हमारे सामने बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं, कई लोग अंधविश्वास में डूबे रहते हैं, वो इसके लिए गलत कार्य भी करते हैं। ठीक है, तो अंधविश्वास को भी विज्ञान क्या है, दूर करता है। अंधविश्वास व्यक्ति के विकास को अवरुद्ध कर उसे पतन के गहरे पर्त में ढकेल देते हैं। तो विज्ञान का सबसे पहला कार्य है मानव जीवन से अंधविश्वासों को दूर करना है। ठीक है, अंधविश्वास तो बहुत दूर की बात है, यह तो विश्वास तक से भी परहेज करता है। कहा भी गया है, यह कहता है कि जब तक स्वयं प्रयोग करके किसी सत्य के प्रति संतुष्टि न हो जाए तब तक उस चीज पर विश्वास ना करो, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन हमारे देश की जो अधिकांश जनता है वो अंधविश्वास पर ही सबसे अधिक निर्भर रहती है। ठीक है, तभी तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने विभाग में डपोर शंकी ज्योतिषों द्वारा निर्मित कुंडलियों के मिलान का आज भी विश्वास करते हैं। ये बिना मिलाए कुंडलियां जब नहीं, तब तक कुंडलियां नहीं मिलाते जब तक शादी नहीं करते। आज भी हमारे समाज में ऐसा है। हमारे अधिकांश शिक्षकगण, नेता, अभिनेता, समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति जिससे मार्गदर्शन की उम्मीद की जाती है वो भी अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। ठीक है, वे स्वयं जातिवाद, क्षेत्रवाद, अंधधार्मिकता, पार्थिक कट्टरता, भ्रष्टाचार आदि में लिप्त है। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही संपन्न व्यक्ति में सब बुराइयां दूर की जा सकती हैं, इसलिए इन्हें दूर करने के लिए हमें विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता है। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में हमारा ये था क्वेश्चन, अच्छा था ये। एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन सेकेंडरी स्कूल लेवल। ठीक है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, तो इसको एक बार दोबारा पढ़ लेना।